नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर ही वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी डाटा है एक्सेल पर, आप उसे सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये हमारा डाटा कोई भी इसमें इस वाले डाटा पर कोई भी कुछ ना कर सके, जो कुछ भी करना है अगले डाटे पर करें लेकिन इस डाटा पर कोई कुछ ना करे। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है तो उसमें या तो उसे आप वो कहीं हाइड कर देंगे या तो आप उसे लॉक लगा देंगे। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि जैसे आपके पास कोई भी डाटा है उसमें आप कैसे लॉक लगाएं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अपना एक्सेल ओपन करने के बाद कैसे लॉक लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है, अब क्या करना है, इसे आपको इसमें जो कुछ भी जहाँ पर भी डाटा लगाना है, आपको जहाँ पर भी लॉक लगाना है, जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ और लॉक लगाने के लिए यहाँ पे जैसे ऑलरेडी इसमें लॉक लगा है तो हम पहले इसके अनलॉक कर देंगे पासवर्ड। यहाँ पर अब जैसे लॉक लगाना हो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद प्रोटेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लॉक पे क्लिक कर देना, लॉक पर टिक होना चाहिए, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ध्यान रखना है, यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद प्रोटेक्ट सीट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज कर लेना, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज कर लेना है। ध्यान रखना कि जो भी लिखने दोबारा लिखना है तो दोनों बार सही लिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इस सीट पर कोई कोई भी आदमी कुछ भी नहीं लिख सकता है, चाहे हमारे डाटा वाली सीट पर हो चाहे खाली सीट पर हो, कोई कुछ भी नहीं लिख सकता है। इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपना कोई भी डाटा बड़ी सिक्योर कर सकते हैं, बड़ी सिक्योरिटी से आप उसे रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों आपको। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप कोई भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपकी खिदमत में नए से नए कॉन्टेंट जरूर लेकर आए। दोस्तों आप लोग लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, और हम आपको खिदमत में और ही अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हमें और दीजिए, हमारे सपोर्ट दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते दोस्तों अपना और अपनों के ख्याल रखिए। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।